इस वक्त मैं सारनी रेंज के जंगल में हूँ और यहाँ पर लगभग बहुत बड़े क्षेत्रफल में जंगल के आग लगी थी और अभी भी कुछ स्थानों पर आग लगातार जल रही है, पर वन विभाग का कोई भी कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है और यहाँ पर किलोमीटरों से जंगल जल चुका है और लगातार आग फैलती जा रही है जंगल में, जबकि इसके लिए अतिरिक्त फंड आता है। जंगल में आग बुझाने के लिए ट्रेनिंग्स होती हैं और काफ़ी सारा फंड निकाला जाता है, पर वो पैसा कहाँ जाता है और ये आग पर कंट्रोल क्यों नहीं पाया जाता है, इसके लिए कोई जवाब अधिकारियों के पास मौजूद नहीं रहता है। अब देख सकते हैं मैं अभी और आगे आ गया हूँ, यहाँ पर भी पूरा जंगल जला पड़ा है, मतलब कोई देखने वाला नहीं है तो जंगल जल के स्वाहा हो जाएंगे, पर वन विभाग को कोई असर नहीं पड़ेगा। स्थानीय अधिकारी बिल्कुल लापरवाही के साथ में काम कर रहे हैं और अभी बस शुरुआत है, ये आगे तक के आप देख सकते हैं, किलोमीटरों से जंगल जल चुका है पूरा। जो अधिकांश छोटे पेड़ पौधे मौजूद थे वो भी जल गए हैं और घास भी जल गई है, जंगली जानवरों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं मैं और आगे आ गया हूँ जंगल में और यहाँ पर हर जगह पेड़ों के तने जले हुए हैं, कई पेड़ भी जले हुए हैं। ये पेड़ शायद सूखा था पहले से और जब जंगल में आग लगी तो इसका तना भी जल गया और ये पूरा पेड़ गिर गया। तो ये हालात है जंगल में और वन विभाग यहाँ पर मौजूद नहीं है, जंगल जले जा रहा है, जबकि हर बीट में एक बीट गार्ड होता है, गांव के लोग होते हैं, समितियाँ होती है वन विभाग की, उसके बाद अगर ये हालत है तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। और सिर्फ उसमें यही नहीं है कि जंगल ही जल रहा है, यहाँ पर अवैध कटाई भी लगातार जारी है। आप ये देख सकते हैं, ये शायद सागौन का पेड़ है, इसकी अवैध कटाई हुई हुई है, आसपास के पूरे क्षेत्र में ऐसी ही अवैध कटाई के निशान मौजूद हैं। तो जंगल जल भी रहा है और जंगल में कटाई भी हो रही है, सारी अवैध गतिविधियां हो रही है, पर वन विभाग इसमें किसी भी तरीके से एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है। और जो ये पेड़ है ये सूखा हुआ पेड़ नहीं था, ये हरा भरा पेड़ था और इसकी जो लकड़ियां हैं वो अभी भी हरी हैं, ये देखिए। ये तो हम देख रहे हैं हालत इतने बुरे हैं कि जो हरे भरे पेड़ थे वो भी इस आग की चपेट में आके गिर रहे हैं। एक तरफ अवैध कटाई है, दूसरी तरफ आग से जंगल बेहाल है और इस तरह से पेड़ गिर रहे हैं। जो छोटे छोटे पेड़ थे ये तो पूरे मर ही चुके हैं, आप ये देखिए, ये पूरा जल के ख़त्म हो गया। तो अब कैसे हम जंगल बचाएंगे और कैसे पेड़ पौधों का संरक्षण होगा, जंगली जानवरों का संरक्षण होगा, ये बहुत गंभीर सवाल उपवन मंडल सारनी में उठ रहे हैं। किलोमीटरों तक के यही हालत है, ऐसे ही आग लगी पड़ी है।